लोकसभा प्रभारी जयवर्धन सिंह आए कराहल, कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बोले, मंदिर के नाम पर राजनीति ना करे भाजपा, खबर कराहल से है। जहां आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के मुरैना लोकसभा प्रभारी जयवर्धन सिंह श्योपुर जिले के दौरे पर आए। इसी कार्यक्रम के अनुरूप आज कराहल पधारे, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले, वहीं आगामी लोकसभा में परिणाम बदल सके इसके लिए आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाएं, गांव-गांव जाकर बीजेपी शासन की महंगाई बेरोजगारी को जनता के बीच बताएं। बीजेपी राम मंदिर को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, धर्म की ठेकेदारी बन रही है। राम हम सब के आराध्य देव हैं, जब मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब हम सब दर्शन करने जाएंगे। वहीं विधायक रामनिवास बोले कि सनातन धर्म में मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और मंदिर पूर्ण होने पर हम सभी सहमति बना रहे हैं कि अयोध्या तक पदयात्रा करते हुए राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं। वहीं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चौहान को लोकसभा टिकट देने की मांग जयवर्धन सिंह के सामने रखी। बोले कि अतुल चौहान की छवि बेदाग और लंबे समय से पूरा परिवार कांग्रेस समर्पित। अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे अतुल भाई साहब जी को टिकट मिले पूरा उनका अच्छा, वो मतलब युवा में उनका सब जगह अच्छा संचालन है जी। 20 साल की लाइफ में बहुत मेहनत की है, सब उनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा जी। सरकार ने हमारे पंचायतों को, ग्रामीण क्षेत्र को एक नया सरकारी पद नहीं दिया, ये बात सत्ता है, ये असलियत है। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि शायद मैं भी या दिनेश गुर्जर जी भी हर गांव तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप सब भी तो कांग्रेस की आवाज है, आप सब भी तो हमारी आवाज है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, महंगाई से परेशान है और किसान इस बात से परेशान है कि जो वादा मोदी जी ने किया था कि वो किसान की आय दोगुनी करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अगर दोगुनी की है तो किसान की लागत दोगुनी की है भाजपा सरकार ने, ये बात सीखता है। अगले कुछ दिनों में कि आज भाजपा तो एक भ्रम फैला रही, एक अफवाह फैला रही है कि उनके तो वैसे उनका माहौल बन चुका है, राम मंदिर की बात कर रही है। लेकिन आप सब मुझे बताइए, क्या हमारा योगदान नहीं है राम मंदिर में? हम बात करें तो आखिर राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे। और हम भी जब निर्माण पूरा राम मंदिर का होगा तो हमको वहां दर्शन करने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन ये लोग सोचते हैं कि भाजपा के लोग ही आज हैं धर्म का ठेका देने वाले, जबकि आप सब जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म का इतिहास तो सदियों पुराना है और भाजपा सिर्फ 40 साल पुरानी राजनीतिक दल है। तो हमको इन लोगों से धर्म का पाठ नहीं चाहिए, हम तो भगवान राम के को पूछते हैं, धर्म का पालन करते हैं। और सनातन धर्म में जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता तब तक स्थापना नहीं होती। और यही बात हमारे चारों शंकराचार्य जी ने कही, जो हमारे धर्म के पथ प्रदर्शक रहे हैं। तो चारों शंकराचार्य जी, तो मैं आप लोगों की सहमति से ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि देवी जी ने कहा कि हम भी भगवान के पुजारी हैं, तो मैं जब भी श्योपुर जाता हूँ, राम मंदिर जाता हूँ, दर्शन करने जाता हूँ, हम आप लोग तैयार हो जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि हम घोषणा कर दें, जिस दिन मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन यहाँ से सभी कार्यकर्ता, जितने युवा कार्यकर्ता हैं, पद यात्रा करके अयोध्या में रामलीला के क्या आयोजन थे, किस लिए आज आप श्योपुर दौरे पर आए? आज कराल ब्लॉक में हमारे लोकप्रिय विधायक, वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी के साथ हमने कराल ब्लॉक में बैठक ली थी आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में। अब सिर्फ कुछ महीने रह गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार तय किया है कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हमको चुनाव लड़ना है लोकसभा का। और क्योंकि मुझे प्रभारी बनाया गया है मुरैना लोकसभा का, तो मेरा दायित्व है कि मैं हर विधानसभा में जाकर जो हमारे सभी मंडल प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं और विशेषकर जो हर मतदान केंद्र पर कांग्रेस के लिए काम करते हैं, हम उनसे संपर्क करें ताकि सीधा कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जो ज़मीन स्तर पर काम करता है
उनका संपर्क या दिल्ली से बने, दिल्ली के जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी जी की टीम के लोग हैं, उनका संवाद सीधा ब्लॉक और बूथ के आदमी के साथ हो, ये हमारी सोच है। और इसीलिए आज हम हमारी जो बैठक हुई आज कराल में और इससे पहले श्योपुर में भी, उसमें हमने जानकारी दी है सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि किस प्रकार से आगे काम किया जाएगा, हमको क्या क्या सूचियाँ बनानी है। मूल बात यह है, चाहे अभी चुनाव घोषित ना हुए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से ज़मीन पे काम कर रही है। लक्ष्य हमारा एक ही है कि देश में परिवर्तन होना चाहिए है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आम जनता भाजपा की महंगाई से परेशान है, भाजपा की बेरोजगारी से परेशान है। जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी को एक बार मौका मिले देश में वापस। सर, जो बीजेपी ने घोषणा की थी कि 3000 रुपए लाडली बहनों के किए जाएंगे, सीएम पूर्व सीएम शिवराज सिंह को हटा दिए गए हैं, तो क्या सर ये 3000 रुपए नहीं डाल रहे हैं, 1250 डाले जा रहे हैं? कांग्रेस क्या सर इस लड़ाई को लड़ेगी क्या, लाडली बहनों की लड़ाई को? बिल्कुल लड़ेंगे, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने वादा किया था लाडली बहनों से कि उनकी राशि बढ़ाकर 3000 की जाएगी, और अगर ये लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं माता बहनों को, तो ये बहुत बड़ा अपमान है माता बहनों का। सिर्फ वही नहीं, श्योपुर ज़िले में काफ़ी धान की फसल होती है। भाजपा के ही लोगों ने कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर धान खरीदी 3100 के दर पे की जाएगी, कहीं नहीं की जा रही मध्य प्रदेश में। बहुत बड़ा धोखा है किसानों के साथ में भी, तो ये कहीं ना कहीं अब बेशर्मी की हद हो गई। भाजपा की सरकार, उनके लोग अहंकार में है, घमंड में है। उनको लगता है चुनाव के समय कुछ भी कह दो, जुमला बना दो, लेकिन फिर उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं, इनके पुराने वादे भूल जाते हैं। और इस प्रकार से अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है जनता इनको अच्छा सबक सिखाएगी। एक अंतिम प्रश्न हो रहा है सर, विधानसभा सर क्या वजह थी सर, जनाधार नहीं मिला था या सर ये कुछ और बात थी? मैंने पहले भी कहा है कि जब ये परिणाम आए तो हमें चिंता थी कि आखिर हुआ क्या। उसमें दो कारण हो सकते थे, या तो शिवराज सिंह जी की योजनाओं का असर था, या फिर अमित शाह जी की ईवीएम का असर था। और हमें तो उत्तर मिल गया, जो सीएम थे 17 साल के, उनको हटा दिया और एक नए सीएम को ले आए। तभी संभव था जब कहीं ना कहीं दिल्ली के जो नेता है उनको पता है कि कहीं ना कहीं इनके पास खेल है ईवीएम का बड़ा।